छठ महापर्व बैकुंठ धाम छठ तालाब में संस्कार और संस्कृति के साथ मनाया गया। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ देने सैकड़ों की संख्या में व्रत के लोग उपस्थित हुए और छठी मैया से सुख शांति व खुशहाली की कामना की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ महापर्व शहर के विभिन्न छठ तालाबों में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोगों द्वारा पूरी आस्था श्रद्धा और पारंपरिक रूप से मनाया गया। रविवार शाम को डूबते सूरज को अर्घ देने के साथ सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। तालाब परिसर में पूरे विधि विधान के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बैकुंठ धाम तालाब में जो महिलाएं संतान सुख से वंचित रही हैं उनकी मन्नत पूरी होने पर बच्चे के सिर का मुंडन कराकर बालों को तालाब में अर्पित किया गया। कोशी भरकर छठ माता के गीत गाकर मन्नत पूरी करने के लिए माता का आभार प्रकट किया गया। पूजा अर्चना करने बैकुंठ धाम छठ तालाब में आए सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील और एक अन्य महिला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छठ महापर्व के अवसर पर मैं सर्वप्रथम छठी माता के नाम पर 36 घंटे निर्जला उपासना करने वाले और उपासना के उपरांत उगते सूरज को अर्घ देकर अपनी उपासना तोड़ने वाले माता बहनों के चरणों में मैं प्रणाम व्यक्त करता हूँ। यह छठ का पर्व जो कि यूपी बिहार का महापर्व है, आज यूपी बिहार प्रांतों के अलावा विभिन्न प्रांतों के लोगों के द्वारा यह छठ पर्व मनाया जाता है। आज इस शुभ अवसर पर सुबह प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ देकर प्रदेश एवं देश के सुख शांति समृद्धि की कामना की गई। छठ पूजा बहुत पावन पर्व है। हम लोग हिंदू धर्म अपने बिहारी यूपी वाले जोर शोर से मनाते हैं और ये इतना पावन पर्व है छठ पूजा कि जो मंगत मांगते हैं वो पूरा होता है। शाम को डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर हम लोग कामना करते हैं, फल मांगते हैं, वो पूरा होता है। प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। बहरहाल सोमवार को 4 दिन तक चली छठ पूजा का पूरे विधि विधान के साथ समापन हुआ। छठी मैया सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली लेकर आए, ऐसी कामना हम भी करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।